हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सुबह के हो रहे हैं अभी एग्जैक्टली 5 o'clock और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अभी ठंड लगने लगी है और 6 बजे से पहले तो ऐसे अंधेरा ही रहता है। ये 5 AM मेरा मॉर्निंग स्केड्यूल है। जब राज ऑफिशियल ट्रिप के लिए बाहर जाते हैं तो सुबह सुबह मुझे मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, क्योंकि 7:30 बस आ जाता है। इसलिए बच्चे उठने से पहले जो बेसिक प्रिपरेशंस है वो मैं कर रही हूँ। मैंने अनियन और टमेटो कट कर लिया है, क्योंकि मैं बनाऊंगी पनीर भुर्जी और पराठे के लिए आटा, जो फ्रेश मैं गूंद के रखती हूँ। पहले से गूंद के हम लोग खाते नहीं है, फ्रेश प्रेफर करते हैं। अभी 6 बज के ऊपर हो गए हैं, मैंने दोनों बच्चों को जगा दिया है। और बच्चों का पहले से ही हैबिट है, सुबह सुबह नहा धो के जाते हैं चाहे मौसम जैसा भी हो। ब्रायन की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उसको ब्रशिंग वगैरह करवा दिया, क्योंकि लास्ट 1 वीक वो स्कूल नहीं जा पाया है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेती हूँ, उसको ऑयलिंग वगैरह करवा देती हूँ, उससे बॉडी में ड्राइनेस वगैरह नहीं होता है। बालों में भी ऑयलिंग कर दी थी मैंने और नहला दिया, राज रहते तो नहला देते, काफ़ी हेल्प मिल जाता है मुझे। उसके बाद दोनों का ब्रेड टोस्ट बना दिया है, थोड़ा सा बटर लगा के, क्योंकि इतनी सुबह होती है ना, कभी कभी बच्चे खाना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स दे दिया, ब्रेड और मिल्क, और साथ में मैं हनी और टेबल में रखा हुआ है चॉकलेट सिरप, जो भी है लगा के खा लेंगे। और साथों साथ यहाँ पे मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, तो पराठे मैंने अच्छे से घी लगा के बना दिया है और ऊपर से हल्का सा बटर स्प्रेड कर दूँगी, इससे काफ़ी टेस्टी लगता है बच्चों को। तो बस यहाँ पे मैं सफिशिएंट जो भी पराठे चाहिए वो बना दूँगी। सब पराठे बन गए हैं, अब मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, जो नॉर्मल बनता है, जीरा देन अनियन, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। और थोड़ी देर भुनने के बाद यहाँ टमाटर डाल दिया और नमक, और उसके बाद बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और बस नमक तो पहले से ही डाला हुआ था, और जो बच गई थी ना घी पराठे बना के, तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद पनीर मैंने डाल दिया। और दोनों का मैं फटाफट लंच पैक कर रही हूँ। यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे, थोड़े से मीडियम ठंड हो गए तो मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ, और साथ में जुकीनी में कट करके दे रही हूँ। जुकीनी अभी बहुत ही सॉफ्ट हो रहा है, बच्चे भी बहुत पसंद करके खा लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे दोनों का पैक कर दिया लंच, और दोनों अभी चले गए स्कूल। और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और सिर्फ एक ग्लास गर्म पानी पिया था, तो मुझे भूख भी लग गई थी। और अर्ली मॉर्निंग ना कभी कॉफ़ी या चाय पहले मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि रात भर हम सोते हैं तो हमारे बॉडी रेस्ट और हीलिंग प्रोसेस में रहता है, तो उसके बाद अगर हम चाय या फिर कॉफ़ी इमीडिएट उठने के बाद पीते हैं ना, तो एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले गर्म पानी लेती हूँ। बहुत अच्छी धूप आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठ के ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ, और कुछ कपड़े मैंने बाहर रखे थे धूप में, तो वही अब फोल्ड कर लूँगी साथ साथ। मुझे सुबह सुबह ना बहुत काम लगता है, जो भी मेरा मनपसंद ना 90s के जितने सॉन्ग्स है वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है सुनने में। उसके बाद सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करके जो बेसिक क्लीनिंग है, और हफ्ते में ना मैं एक दिन हमारे डोर्स वगैरह है ये क्लीन करती हूँ।
और ये जो हमारा लिविंग रूम का मेन डोर है ना, ये हफ्ते में एक दिन मैं क्लीन करती हूँ। धूल मिट्टी जम जाता है यहाँ पे, तो वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये साफ़ सफाई करने में मुझे सुबह का 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं सारे घर का क्लीनिंग करने में। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, लेकिन ये काफ़ी ब्रॉड है तो इसलिए वैक्यूम से अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मॉपिंग थोड़ा कर देंगे ना, तो यहाँ पे एकदम चकाचक साफ़ सफाई हो जाएगी। सो सुबह मैंने आज रोटी खा लिया था तो थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा था। अब मैं क्लीनिंग वगैरह कर लिया, काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी थोड़ा सा मुझे हल्का फील हो रहा है। अदरवाइज़ मैं जब जिम जाती हूँ या फिर जुम्बा जाती हूँ तो मैं हल्का कुछ लेती हूँ, लाइक जूस वगैरह या फिर स्मूदी या फिर ब्रेड टोस्ट। देर में तैयार हो गई हूँ, थोड़ी देर में जिम होके आऊँगी। जुम्बा मेरे 3 डेज होते हैं, तो जब जुम्बा नहीं होता तो मैं फिर जिम चली जाती हूँ। सो जिम से आके मैंने शावर ले लिया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किन केयर भी कर रही हूँ। यहाँ पे कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर, ये मुझे बहुत फ्रेश लगता है फेस पे जब अप्लाई करती हूँ। उसके बाद जो मॉइस्चराइज़र है ये यूज़ कर रही हूँ निविया का, देन सनस्क्रीन। भूख भी लग रही थी जिम से आके, तो बस नहा धो के मैं यहाँ पे एप्पल के साथ ना ऊपर से जो ऊपर हल्का सा चाट मसाला छिड़क के मैं खाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फ्लेवर। तो अभी धीरे धीरे मैं अपने किचन की ओर जाऊंगी और लंच प्रिपेयर करूंगी। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।